इतना बड़ा शहर है, काला काला वो डंडारी है। जो फुटप्रिंट है वो इलाके के लोगों ने देखे, जिसके बाद वन विभाग को भी इसकी जानकारी और सूचना दी गई है। और इलाके के लोगों का भी आरोप है कि ये जो शारदा डैम है इसी को पार करके इस बाघ ने इस गांव में दस्तक दी है। भी अगर इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो इलाके के लोग झुंड में यहां पर खड़े हो रहे हैं। ये पीलीभीत जनपद का रामनगरा गांव है। पीलीभीत के रामनगरा में इन दिनों टाइगर की दस्तक से दहशत है और इलाके के लोगों ने इसी पॉइंट पर टाइगर को देखा था। इन दिनों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के ग्राम रामनगरा में बाघ की दस्तक के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है लेकिन बाघ का कोई अता पता नहीं चल रहा, जिसके चलते लगातार ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। नातिन को वो लाटिंग करने आया, वो देख के तो मेरे को चिपक गया और मैं उसको लेके घर चले गया। हमारे घुटने में भी दर्द हो गया। 3:30 बजे इतना बड़ा शहर है, काला काला वो ढारी है, अरे इतना बड़ा लंबा है दादा, इतना बड़ा लंबा है, इतना बड़ा लंबा है, इतना बड़ा शहर है। इस वक्त हम पीलीभीत जनपद के रामनगरा में मौजूद हैं। ये वो रोड है जहां पर थोड़ी सी ही दूरी पर कल इलाके के लोगों ने जो है इस टाइगर को यहां पर ट्रैक किया था। उसके पंजे के निशान यहां पर मौजूद है। इलाके के लोगों में उसके बाद से लगातार दहशत का माहौल है। पीलीभीत के रामनगरा में इन दिनों टाइगर की दस्तक से दहशत है और इलाके के लोगों ने इसी पॉइंट पर टाइगर को देखा था और यहां पर टाइगर के जो है फुटप्रिंट भी यहां पर मौजूद है। थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ा ये टाइगर है और जो कि रामनगरा का जो शारदा डैम है उसको पार करके इस गाँव के अंदर उसने दस्तक दी है। एक व्यक्ति पर हमला किया है जिसके बाद से फिलहाल पूरा जो पीलीभीत का जो प्रशासन है वो फिलहाल अलर्ट मोड पे है। वन विभाग भी लगातार कॉम्बिंग कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फुटप्रिंट है वो इलाके के लोगों ने देखे, जिसके बाद वन विभाग को भी इसकी जानकारी और सूचना दी गई है। इसी रास्ते से जो है टाइगर का मूवमेंट देखा गया और उसके बाद लास्ट टाइम यहाँ पर देखने के बाद फिलहाल जो है उस टाइगर का मूवमेंट फिलहाल कैप्चर नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पर कि किस तरह से टाइगर के मूवमेंट के बाद से लगातार इलाके में दहशत का माहौल है और इसी रोड पर फिलहाल जो है वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट की टीम का कहना है कि इस रोड पर फिलहाल मूवमेंट बंद कर दिया जाए, जिसके चलते टाइगर के मूवमेंट को लोकेट किया जा सके, उसकी लोकेशन दिख सके कि आखिरकार टाइगर का मूवमेंट क्या है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे होंगे, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, तमाम जो है पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसके चलते फिलहाल वन विभाग भी अभी इस टाइगर की लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। बीत के रामनगरा में बाघ की दस्तक लगातार इस ओर इशारा कर रही है और इलाके के लोगों का भी आरोप है कि ये जो शारदा डैम है इसी को पार करके इस बाघ ने इस गांव में दस्तक दी है, जिसके चलते इलाके के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि फॉरेस्ट की टीम जल्द से जल्द इस बाघ का रेस्क्यू कर इसे उसी फॉरेस्ट यानी कि जो टाइगर रिजर्व इलाका है पीलीभीत का वहाँ पर छोड़ा जाए। अभी भी अगर इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो इलाके के लोग झुंड में यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ये पीलीभीत जनपद का रामनगरा गांव है। इलाके के लोग लगातार दहशत में हैं और जब से इलाके के लोगों को पता चला है कि बाघ ने यहाँ पर दस्तक दी है उसके बाद उसके जो फुटप्रिंट है उसको देखने के लिए लगातार आसपास के गाँव के लोग भी यहाँ पर उमड़ रहे हैं। लेकिन फॉरेस्ट विभाग का लगातार इलाके के लोगों से अपील है कि कम से कम लोग जो है मूवमेंट करें और कहीं ना कहीं उस रास्ते को खाली रखें जिस रास्ते पर बाघ की चहलकर्मी देखी गई है।